क्या नाजली मैरिज में पहुंच पाएगी? अगर क्या होगा नाजली उस रूम में फंसी रह जाए जो दमयंत ने लॉक किया था? ये पता करते हैं एपिसोड 47 में। जब दमयंत नाजली को रूम में लॉक कर देती है तो कुछ टाइम बाद नाजली को पता चलता है कि डोर लॉक है और वो ट्राई करने लगती है बाहर निकलने का, पर वो नहीं निकल पाती। यहाँ मैरिज के लिए सभी तैयार हो चुके होते हैं। फेरित नाजली को कॉल कर रहा होता है पर कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा होता है क्योंकि उस रूम में नेटवर्क नहीं आ रहा था। फेरित, आसुमन और फतोस थोड़े परेशान हो जाते हैं कि नाजली कहाँ चली गई, उसे अभी तक आ जाना चाहिए था। यहाँ रूम का टेम्परेचर कम होने से नाजली को ठंड लगने लगती है और धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगती है। नाजली के ना आने पर फेरित को लगने लगता है कि नाजली जानबूझकर यहाँ नहीं आई। वो इस मैरिज के लिए कभी श्योर नहीं थी पर उसने फेरित को प्रॉमिस किया था। इंगिन कहता है कि हमें अनाउंस कर देना चाहिए कि ये शादी नहीं होगी, वहाँ लोग काफी देर से वेट कर रहे हैं। फेरित को नाजली की फिक्र होने लगती है। भले ही उनके बीच फेक मैरिज का डील हुआ था पर फेरित के दिल में नाजली के लिए अभी भी प्यार है। वो इंगिन को कहता है कि वो यहाँ का सिचुएशन संभाले और वो नाजली को ढूंढने चला जाता है। उसे अब लग रहा था कि नाजली को ये शादी नहीं करनी थी इसलिए वो नहीं आई। फेरित ने नाजली के घर, रेस्टोरेंट सभी जगह देखा पर वो उसे नहीं मिली। उसे अब लग रहा था कि नाजली को शादी करनी ही नहीं थी इसलिए वो नहीं आई। यहाँ फतोस, आसुमन और मनामी नाजली के ना मिलने पर थोड़े परेशान हो जाते हैं और वो पुलिस कंप्लेन करने की बात करते रहते हैं। तभी वहाँ डेनिस आ जाता है और वो कहता है कि उसने नाजली को लास्ट टाइम फिशरी जाते हुए देखा था, शायद नाजली वहीं गई होगी। फतोस उस फिशरी का एड्रेस बताती है और डेनिस उस एड्रेस पे चला जाता है। यहाँ दमयंत और हकान को जब पता चलता है कि नाजली शादी में नहीं आई और वो शादी अब नहीं होगी तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ नाजली की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी डेनिस वहाँ तुरंत पहुंच जाता है और नाजली को संभालता है। डेनिस नाजली को अपने घर लेके आता है और उसकी थोड़ी देखभाल करता है। वो दमयंत को बताता है कि नाजली उसके घर पर ही है। दमयंत के थ्रू फेरित को पता चलता है कि नाजली मिल गई है और वो डेनिस के घर पर है। फेरित तुरंत डेनिस के घर पहुंचता है और वहाँ नाजली बैठी होती है। फेरित नाजली पर थोड़ा गुस्सा होता है। वो कहता है, क्या तुम्हें पता है आज हमारी शादी है पर तुम यहाँ बैठकर चाय पी रही हो और मजे कर रही हो। नाजली फेरित को सब कुछ समझाना चाहती थी पर फेरित उसे कुछ समझाने का मौका नहीं दे रहा था, वो उसकी सभी बात काट दे रहा था। फेरित आखिर में कहता है कि तुम्हें ये शादी करनी है कि नहीं। नाजली शादी के लिए हाँ कर देती है। नाजली शादी के लिए तैयार होके आती है और वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं, खासकर फेरित। वो तो नाजली से नजर हटा ही नहीं पा रहा था। वो दोनों की मैरिज का प्रोसेस स्टार्ट होता है और सभी इंजॉय करते रहते हैं और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। व्यूअर, सारे एपिसोड का फ्लो बनाए रखिए और यहाँ पे क्लिक करके आपको बाकी एपिसोड देखने मिल जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा मजेदार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सी या।